आप अपना पॉइंट ड्राइव करने के लिए उस हिल स्टेशन पे हैं जहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं, जिससे कि आपकी वीडियोस बन सके और पब्लिसिटी हो सके। हमारा तो वीडियो हिंदी में, या तो आप सवाल करो और फिर जवाब सुनो, दैट्स इट, यू कैन लीव। भाई तंग मत करना, आप दोबारा भी करेंगे। थैंक यू। दोबारा हमेशा बोलना पड़ रहा है आपको। क्या करेगा? कार्ड दूंगा। नहीं नहीं भैया, हो गया हो गया। कार्ड देगा? नहीं नहीं बस हो गया भैया। हम तो ये जानने निकले थे कि अगर भारत में शाकाहारी कम हो रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों से पूछ रहे थे कि वो क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, और अगर कोई उनकी चॉइस पे सवाल उठाए तो उन्हें कैसा महसूस होता है। आप में से नॉनवेज कौन कौन खाता है? आपका नॉनवेज खाने का क्या कारण है? कि मुस्लिम है हम लोग, कुर्बानी वगैरह होता है, ईद उद आती है तो उसमें तो नॉर्मली होता है, तो खाना ही खाना कंपलसरी है। साल में कितनी ईद आती है? एक ही बार आता है एक तो साल। बाकी 364 दिन? बाकी 364 दिन जब मन होता ले आते हैं उठाकर। तो धर्म कोई कारण नहीं है आपके खाने का? एक भी कह सकते हैं, एक टेस्ट भी कह सकते हैं। आपका नॉनवेज खाने का क्या कारण है? टेस्ट लगता है खाने में, टेस्ट। आप कच्चा खाते हैं? नहीं पागलों क्या, पक्का पका के खाएंगे। नहीं जी नहीं, पक्का हुआ, एनिमल थोड़ी है। मतलब यही कि बस आग पे भून लिया है, उसमें कुछ डालते भी हैं? नहीं मसाले डालते हैं सारे, प्याज हो गया, प्याज डालते हैं, लहसुन अदरक अच्छे से उसे सॉटे करेंगे, सब कुछ डालेंगे, फिर उसे अच्छे से बनाएंगे। बटर चिकन हो जाता है उस तरीके से खा लेते हैं। तो टेस्ट तो फिर तड़के और बटर बिल्कुल बिल्कुल मसालों का हुआ बिल्कुल। मेरा मन है छोड़ने का बट फिर वही बीच में टेस्ट आ जाता है। ये अच्छा मुझे भी लगता, मैं अगर कटते हुए देख लूं तो मैं खा नहीं सकता। हमें भी अंदर से पता है कि हम गलत कर रहे हैं पर फिर भी आप खाते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट अगर नॉनवेज में होता तो आप कच्चा भी खा पाते हैं? जिसमें सेब होता है तो मैं सेब खा सकता हूँ, सेब स्वाद है, आम स्वाद है। यू मेक अ पॉइंट। तो फिर नॉनवेज क्यों, वेज क्यों नहीं? अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। जिसके धर्म में खुलेआम खाओ, चिकन खा लो, खाओ आराम से खाओ। हिंदू भी खाता है, सिख भी खाता है, बौद्ध भी खाता है, हर एक चीज़ खाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। हमारा सनातन धर्म हमें मना करता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। आज हम लोग को टेंपल जाना था, हम लोगों ने नहीं खाया। किसी भी खाने पीने की चीज़ को धर्म से कभी भी जोड़ना बहुत गलत बात है। अगर नेचर को भी शेव करना, अगर मैं हिंदू हूँ, सुनो, अगर नहीं जोड़ते तो लिखा क्यों होता हमारी किताबों में, पुरानी किताबों में क्यों लिखा हुआ है फिर नहीं खाना चाहिए? Yes. किताब का नाम बताने से क्या होगा, जो किताब का मैटर है वो तो फॉलो नहीं कर रहे आप। सही बात है। आप खाते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका ना खाने का क्या कारण है? क्योंकि लगता है कि कुछ गलत है इसमें। सोचा जाए कि हम एक जानवर को मार के खा रहे हैं। आप सांस लेते हो ना, आपको पता है कितने जर्म्स मरते हैं, तो फिर सांस लेना भी गुनाह है। आप कह रहे हैं क्योंकि सांस लेना जो कि लाजमी है उसकी वजह से, क्योंकि बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर ही रहे हैं, तो आओ थोड़े से बकरे, थोड़े से मुर्गे, थोड़े से भैंसे भी मार दें। किसी चीज को मार के खाना हमारे हिसाब से तो गलत है। तो फिर आप सब्जियां भी मत खाओ, तो फिर आप फ्रूट्स भी मत खाओ क्योंकि उनमें भी सेंसेस होते हैं। चावल खाना बंद कर दो, चलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे आप तो सुन ही नहीं रहे। देखने जाएंगे तो वेजिटेबल भी लाइव भी है, तो उनका भी तो एक जीवन है, अगर वो भी आप खा रहे वेज वाले तो वो खाते ही है। पर जैसे मैंने टोकरी में आलू रखे हुए हैं, मैंने देखा नहीं कभी आलू भागने का प्रयास करे। तो ऑलरेडी आपने उसको डेथ कन्वर्ट कर दिया, जैसे तोड़ा उसी टाइम पे आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर तोड़ के रखा डेड कर जाता तो पड़ा हुआ आलू कभी देखा होगा लुंग जाता है। हाँ, तो फिर डेड चीज कैसे लुंग जाती है? ये बात बरोबर है, क्यों ये हो जाता है। पर मुर्गी को देखो, वो टोकरी में नहीं रखते, पिंजरे में रखते हैं, क्योंकि मुर्गी भागने की कोशिश करेगी जान बचाने की। फर्क तो है मुर्गी और आलू में। हाँ वो तो है। आपने एक माइंडसेट बनाया है, आप उस दूसरे पे थोप दो, फिर आप सांस लेना छोड़ दो, हम मांस खाना छोड़ देंगे। क्रुएल्टी की कुछ लिमिट है, जैसे हम कोई रूल तोड़ते हैं जिसके हमें 100 रुपए फाइन है, हमें पेबल होता है, कुछ काम करते हैं हमें 1,00,000 रुपए फाइन है। तो मेरे को जीना कैसे चाहिए? औरों को दर्द कम से कम दो, एक सेकंड ज्यादा दो, कम दो, सेम बराबर। तो आप कह रहे हो कि आलू और भालू बराबर दर्द होता नहीं, है? मुझे नहीं मालूम कि उनको कितना होता है और उनको कितना होता है। गाय को दर्द होता है? पक्का नहीं, उनका कभी फीलिंग हमको होता है। गाय को दर्द होता है, होता है, उससे नीचे आ जाते हैं। गधे को होता होगा? होता है। बकरे को? होता है। मुर्गे को? होता है। मेरे अपने विचार है, किसी के अपने विचार है, अगर कोई कुछ बोलता तो मुझे बुरा क्यों मानना है? बहुत जानने का। आपको बुरा लगा? नहीं। बुरा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। इस लाइक हम भी किसी जीव को मतलब मार रहे हैं, उसका जो भी है
खत्म कर रहे हैं, उसको मारपीटें खा रहे हैं, तो वो खानी होती है। क्यों बुरा लगे? हम जाते हैं, कभी सत्संग में जाते हैं, अच्छी चीज़ों में, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको कोई अच्छी बात समझाएंगे तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। खाना है तो खाना है, किसी की क्यों सुननी है? हम अच्छी अच्छे रास्ते पे चलेंगे, हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे। आप मुझे बोलोगे जो लॉजिक भी दोगे तो वो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो आप समझते हैं कि ये गलत है? गलत है, गलत तो है, वैसे है, गलत तो है ही है। हर क्या नहीं गलत है जिंदगी में, हर चीज़ तब भी चल रही है ना, गोल घूम ही जा रहे, बस गलत तो सब कुछ ही है। पर फिर भी आप बिना किसी कारण के गलत कर रहे हैं। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी खाऊं। तो जो मुर्गे की जीने की मर्जी है उसका क्या? आप कहीं और चले गए। आपको कभी किसी ने कहा कि भाई आप वेजिटेरियन है, क्या है नॉन वेज वाले? आपका क्या रिएक्शन रहता है? हम घास खा के खुश से हट्टे करते हैं। बहुत ने कहा है, हमेशा कहते हैं, आज तक सुनते आ रहे हैं, सारे फैंस मोस्टली नॉन वेज खाते हैं। आप चिकन खाए यार, आलू क्या खाने हैं? आप भी क्या कभी उनको कहते हो कि तुम जो कर रहे हो गलत है? हाँ कहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते। एक बार किसी को बोल, नहीं समझ में, 21 साल के वो भी है, मैं भी हूँ, एक बार में आ जाएगी तो उनको आ जाएगी, बार बार में उनको भी नहीं आएगी। दोस्तों ने कहा मुझे कि तुमने क्यों छोड़ दिया खाना, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे कहने से स्टार्ट कर चुका हूँ, तो तुम मेरे कहने से छोड़ भी तो सकते हो। हमारे कहने से भी वो नहीं समझेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको खाना है तो खाना है। अगर हम चलो उन्हें बोलते भी है, फॉर वंस हमारी फ्रेंडशिप खराब होगी, दूसरा वो क्यों सुनेंगे हमारी? दिस इज अनदर पॉइंट। उन्होंने बचपन से खाया है, उनके पेरेंट्स ने सिखाया है, वो खा रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आपको वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, कि एनिमल्स क्रुएल्टी तो है ही है ना, कि अगर आप एनिमल्स को मारो, अगर हमें कोई मारे बिना परमिशन के तो वो भी तो सही नहीं है। मान लो कि आप लोगों को कोई ऑप्रेस कर रहा है, आप दोनों दबाता है कोई, आप चाहोगे कि आपके हक के लिए कोई वो जो दबाने वाला है उसको बोले कुछ? हाँ। पर आप जानवरों के लिए नहीं बोलते? बोलना चाहिए, ये हमारी भी मिस्टेक है, बट हम क्या गारंटी है कि वो मान लेंगे? जैसे आपने कहा कि अगर हमें कोई दबा रहा है तो हम चाहेंगे बोले, गारंटी तो नहीं है। नॉन वेज खाना तो गलत है, लेकिन खाने वाले को कोई रोक भी तो नहीं सकता ना, वो खाएगा। पर समझाने का प्रयास कर सकते हैं? करते हैं आप? हमको तो करते ही ना, इनको बोलते हैं, हमको तो कर ही रहे ना, इनका कंट्रोल हुआ है ना, हमको तो कर, हमारे घर पे क्या, जब से आई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको नॉन वेज पार्टनर ढूंढना होगा, समझाना होगा, तब दुनिया सुधरेगी। दिल तो करना बंद करने का, मगर आदि नहीं हूँ मैं उसका, अभी चाहूँ अगर आपके सामने बात करूँ तो जिंदगी भर नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। अरे वेरी गुड, हमारा वीडियो चाहे चले ना चले, हमारा को तो वैसे ही मजा आ गया यार, एक बंदा बदल गया। थैंक यू जी। सड़क पे घूमते जानवर की मदद तो फिर भी आप उनका पेट भर के कर सकते हैं, लेकिन सड़कों से कहीं ज्यादा जानवर लोगों की प्लेटों पे मरते हैं, और उनकी मदद आप सिर्फ उनकी आवाज़ बनके ही कर सकते हैं। तो बोलते रहिए, बदलते रहिए।